तो दूसरे एडजस्टमेंट्स में एक अनपेड व्यय, अनपेड बकाया व्यय, अनपेड एक्सपेंसेस। फिर पूर्वदत्त या असमाप्त व्यय, इनको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आप लोग लिखते जाइए, प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अनएक्सपायर्ड ऐसे खर्चे जो अभी एक्सपायर नहीं है, अभी हो तो असमाप्त इज अनएक्सपायर्ड, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने आगे के लिए दे दी। उपार्जित आय अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम ये मैंने आपको बताया था, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये वो इनकम है जो अर्न कर ली गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई। फिर अग्रिम प्राप्त आय, इसके लिए दो तीन वर्ड हमने देखे थे, अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड एडवांस, अनअर्नड इनकम्स, ये अनअर्नड इनकम्स, इसको हम कहते हैं इनकम्स रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करने। मैं कोशिश करूंगा कि इन चारों को मैं कवर कर लूं आज, तो ठीक है। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। ये डेप्रिसिएशन तो अलग चीज है जो मैंने आपको बना दिया। ये चार, इन चार एडजस्टमेंट की हम बात करें। दूसरी चीज इसमें समझना जरूरी है आपके लिए क्या है, कि ये जो अनपे आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंसेस, ये जो है ये लायबिलिटीज कहलाती है, ये लायबिलिटीज होती है, दायित्व है हमारे, ये देना है पैसा हमें, लेकिन जो खर्चे हमने आगे के लिए दे दिए जिसका लाभ हमें भविष्य मिलेगा, ये हमारी एसेट होती है, एसेट होती है। अक्रूड इनकम भी हमारी एसेट होती है, और जो इनकम हमें एडवांस में मिल गई जो हमने कमाई नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी। तो ये आपको ये चार एडजस्टमेंट्स की हम बात करते हैं। सर इसमें अनएक्सपायर्ड मींस क्या होता है? अनएक्सपायर्ड माने जिसका अभी अभी फ्यूचर में और अभी हमें फायदा होना है, जो अभी पूरी तरह से एक्सपायर नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, हमने दे दिया पैसा लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुआ, उसका आगे लाभ मिलेगा हमें। जो असमाप्त वे बोला है ना, वो अनएक्सपायर्ड ही है, असमाप्त से मतलब अनएक्सपायर्ड। सर आउटस्टैंडिंग को एक्सपायर्ड बोल सकते हैं? आउटस्टैंडिंग को क्या एक्सपायर्ड? नहीं, अनएक्सपायर्ड एडवांस हो गया और अनएक्सपायर्ड नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपायर्ड नहीं है। इवन जो दे दिया वो भी तो एक्सपायर्ड हो गया भाई साहब, मुझे 2000 रुपए हर महीने देना था, साल भर में 24,000 देने थे, 10 महीने दे दिया तो 20,000 भी एक्सपायर्ड है, तो इसलिए वो आउटस्टैंडिंग को सिर्फ एक्सपायर्ड नहीं बोल सकते, वो जो दे दिया वो भी एक्सपायर्ड है और जो नहीं दिया वो तो वही है। फिर ऐसा अनएक्सपायर्ड बोलते हैं इसलिए क्योंकि एडवांस में मिल गया, तो मैं काम अभी और मिल नहीं गया, दे दिया हमने। अच्छा हाँ, दे दिया हमने, दिया है तो वो उसका फायदा आपको भविष्य में मिलना है, इसलिए वो अनएक्सपायर्ड, वो अनएक्सपायर्ड। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसको हमें ट्रीट कैसे करना है, हमें इसको ट्रीट कैसे करना है, अब हम देखते हैं इसको। नो, जस्ट अ मिनट, ये अब हम इसको बुक्स में कैसे दिखाएंगे, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमने कर लिया था, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अब मान लीजिए ये आपके पास में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको, नीचे मैंने एडजस्टमेंट आपको दिया, मान लीजिए इसके अंदर कि ये 400 रुपए का रेंट अभी देना बाकी है, अभी दिया नहीं है, देना बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये है कि मेरा खर्चा 800 रुपए जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है वो नहीं है, सिर्फ 800 रुपए तो मैंने पे कर दिया। रेंट दो तरह का हो गया, एक तो रेंट पेड जो दे दिया 800, ये पेड आ गया ऊपर, और जो अनपेड है जो नहीं दिया गया
₹400, ये भी मेरा किराया है जो मुझे देना था जो मैंने नहीं दिया, तो मेरा टोटल जो खर्चा है वो ₹1200 है, मेरा एक्चुअल ₹1200। तो ये जो 800-400 अनपेड है ये आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाए, ये आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाए, ठीक है, जो मैंने पे नहीं किया। इज दैट ओके? यस सर। ए एक सेकंड है ना, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम जिस वे में जोड़ते हैं वहां जोड़ेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटीज। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने ये बताया था कि चूंकि रेंट है तो ये रेंट वाला अमाउंट हम बाहर पहले नहीं लिखेंगे, इस रेंट को हम पहले अंदर लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ इसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड करेंगे, अनपेड 400, और फिर मैं यहां लिखूंगा 1200। यस, तो ये मेरा रेंट बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, 800 तो दे दिए, 400 बाकी। और यहाँ पे नॉर्मली हम बीच में जोड़ने के बाद यहाँ लाइन खींच देते हैं, इसके लाइन का एक इम्पोर्टेंस है, इसके वजह से प्रॉफिट मेरा बदल जाएगा। ये जो प्रॉफिट बिना इस एडजस्टमेंट के, बिना इस एडजस्टमेंट के जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 11850, वो प्रॉफिट मेरा बदल जाएगा, अब वो कम हो जाएगा। फिर ये कम हो जाएगा तो यहाँ पे भी कम प्रॉफिट जुड़ेगा, ये कम जुड़ेगा तो ये भी कम हो जाएगा, और फिर मैं क्या करूंगा, लाइबिलिटीज में ही, लाइबिलिटीज में ही अलग से दिखा दूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, यहीं पे मैं आउटस्टैंडिंग रेंट करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो एक तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो कैपिटल कम हो गई आपकी, कैपिटल कम हो गई, और ये आप खर्चा अलग से दिखा दोगे तो आपकी बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगी। 400 आउटस्टैंडिंग रेंट दिखा रहे हो तो आउटस्टैंडिंग उतने से आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, उतना प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। इज दैट ओके सर? आउटस्टैंडिंग, क्या चीज सर? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, इसलिए से लायबिलिटीज में दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, लायबिलिटीज से लायबिलिटी। और अगर प्रीपेड एसेट होता तो प्रीपेड, रुक जाओ, आउटस्टैंडिंग की बात की। यस सर, अभी मैंने सिर्फ आउटस्टैंडिंग की बात की। आउटस्टैंडिंग समझ में आया सबको? आउटस्टैंडिंग रेंट का, अच्छा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट ₹800 से आउटस्टैंडिंग। यस सर, ये एंट्री होती है। अभी एंट्री का मतलब क्या हुआ? रेंट खर्चा ₹400, रेंट डेबिट हो रहा है तो रेंट ₹400 से बढ़ गया, और आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में, ठीक है। तो कोई भी हमारा एक्सपेंस अगर ऐसा है जिसको हम बकाया खर्चा कहते हैं, बकाया, ये जो मैंने आपको यहाँ शीट में दिखाया था, ठीक है, बकाया जो वो है, व्यय, बकाया व्यय जो भी है, इसको आपको क्या करना है, उसके अंदर दिखाना है अंतिम स्टॉक, ये बकाया व्यय का यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन दिया है, बकाया व्यय, इसकी एंट्री क्या बनी, संबंधित व्यय खाता नाम और बकाया व्यय खाते से, ये एंट्री बनी, ठीक है। एक्सपेंसेस डेबिट, मजदूरी खाता नाम बकाया मजदूरी खाते से, ये एंट्री में। और यहाँ पे देखिए मजदूरी खाता, यहाँ पे भी उन्होंने ऐसी किया, मजदूरी तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मजदूरी के अंदर ये हमने बकाया जोड़ दिया, बाहर आ गया यार। इसके वजह से जब खर्चा बढ़ जाएगा बकाया वैसे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आपका सकल लाभ भी कम हो गया और निवल लाभ भी कम हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो गया, नेट प्रॉफिट भी कम हो गया, और इसको हम बैलेंस शीट के अंदर, ये बैलेंस शीट के अंदर बकाया व्यय ये है, इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ये चीज एकदम आपको क्लियर हो। दूसरा, यहां पर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के ऊपर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब मैं आ रहा हूं दूसरे वाले पे। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा आइटम है मेरा That is the prepaid पे आता है। ये है मेरा prepaid। तो आपको सबको क्या लिखना है, ये outstanding rent मैंने लिखा आपको, आप लिखे heading डाली अपनी उसके अंदर notebooks के अंदर outstanding rent, और outstanding rent के नीचे जो भाई मैंने entry लिखी थी वो entry लिखी आप सबको, rent account debit 400 to outstanding rent।
इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है, इसको मैं आप हिंदी में भी बता देता हूँ, एड टू द कंसर्न एक्सपेंस, कंसर्न एक्सपेंस में ऐड कर दो इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, वो खर्चा है जहां भी आता है उसको देखना पड़ेगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जिसकी तरफ भी उसके अंदर आप उसको ऐड करो, एक ट्रेडिंग अकाउंट एंड और प्रॉफिट लॉस में दोनों में से किसी में, एंड शो एज लायबिलिटीज, लायबिलिटी इन दी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में उसको लायबिलिटी की तरह दिखाओ। तो आप ये लिख लीजिए कि आप हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लीजिए कि व्यापारिक खाते या लाभ हानि खाते में संबंधित व्यय में जोड़े, व्यापारिक व्यय या लाभ हानि खाते में संबंधित व्यय में जोड़े और आर्थिक चिट्ठा में या जो भी बोलते हैं इसको तुलन पत्र, तुलन पत्र के दायित्व में दिखाएं, और तुलन पत्र के दायित्व में दिखाएं, संबंधित व्यय में जोड़े और तुलन पत्र के दायित्व में पक्ष में दिखाए। दिस इज हाउ इट इज टू, ठीक है? और कोई कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर है? ये आपको लिख के रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो बकाया व्यय है उसको कैसे दर्शाएंगे, तो ऐसे दर्शाएं उसकी एंट्री, ये एंट्री उसकी, क्लियर है? यस सर, यस सर। अब आगे बढ़ता हूं, अब मैं आ रहा हूं दूसरे एडजस्टमेंट। अगर मैंने ऐसा लिख दिया आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे कि 50 रुपए वेजेस एडवांस में दे दिए, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अरे अभी तो खर्चा ही नहीं हुआ, अनएक्सपायर्ड है या आगे का पहले पैसा दे दिया, तो यहाँ जो मैंने ट्रायल बैलेंस में वेजेस दिखाए हैं 750, ये 750 अभी पूरे खर्च ही नहीं हुए, 50 तो बाद में खर्च होंगे, अभी तो दे दिए 700 ही खर्च हुए, 50 तो एडवांस है, तो ये तो खर्चा ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस के अंदर ये जो आपका है यहाँ पे वापस मैम, इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्व दत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप हेडिंग डाल लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस या पूर्व दत्त व्यय, जैसा भी आपको लिखना, पूर्व दत्त व्यय या प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये क्या कहलाते हैं? अग्रिम भुगतान किया गया, ये भी खर्च नहीं हुए, तो इनकी एंट्री हमारी क्या हुई? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो अभी हमने वो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे, जो जिस 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 खर्चे की बात है उसको क्रेडिट और प्रीपेड को डेबिट। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे नीचे आपको साफ साफ इसके अंदर दिया हुआ है, इसका समायोजन प्रविष्टि, इस प्रविष्टि का प्रभाव क्या होगा? पूर्व दत्त राशि का भाग जो भी प्रीपेड है वो संबंधित व्यय में से घटा दिया जाएगा, और जमा खाता पूर्व दत्त व्यय की को तुलन पत्र में ये परिसंपत्तियों पक्ष में दिखाया जाएगा, ऐसे में दिखाएंगे उसको। तो इसको जो मैं कैसे दिखाऊंगा, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो मैंने क्या किया यहाँ पर ये जो वेजेस है इसमें से मैं इसको घटा दूंगा, तो मैं वेजेस जो है ये वाला वेजेस यहाँ नहीं दिखाऊं 750, ये मैं अंदर यहाँ दिखाऊंगा 750, इसमें से मैं माइनस करूंगा 50, और ये माइनस करके मैं बाहर लिख दूंगा 700, ठीक है? तो ये इसके इसके वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? 50 रुपए वेजेस घटाने से प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा मेरा प्रॉफिट, खर्चा कम हो रहा है, 750 खर्चा था वो 50 रुपए से खर्चा कम हो गया, तो मेरा प्रॉफिट जो है लाभ बढ़ जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट है
ये 14,800 रुपए हो जाएगा, ये 14,800। ये लाभ बढ़ेगा, सकल लाभ बढ़ेगा तो ये लाला नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जब मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा ये लाभ, ये 18 यहाँ पे तो यहाँ पे 17,500 की जगह 17,550 की जगह 14,800 ट्रांसफर करूंगा, तो यहाँ पे भी मैं 14,800 करूंगा। जब 14,800 करूंगा तो ये वाला प्रॉफिट भी जो है मेरा निवल लाभ जो है ये भी मेरा बढ़ जाएगा 50 रुपए से, ये 11,900 आएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट है यहाँ ये भी मैं ज्यादा लिखूंगा यहाँ पे, और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरी एसेट होती है, तो इसको मैं बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखाऊंगा, प्री पेड वेजेस 50। तो बैलेंस शीट की एसेट्स का टोटल बढ़ जाएगा यहाँ पे, बैलेंस शीट की एसेट्स का टोटल बढ़ जाएगा, और यहाँ पर भी प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल बढ़ जाएगी, तो ये टोटल भी बढ़ जाएगा, मेरी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। इसीलिए दो इफेक्ट आते हैं आपके ना, दो इफेक्ट आएंगे, नहीं आएंगे तो भी बैलेंस शीट टैली कैसे होगी। प्रॉफिट कम किया, एक्सपेंस कम किया, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा सकते ना सर, हाँ प्रॉफिट एक्सपेंस कम किया, एक्सपेंस कम किया तो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल बढ़ी, और वो बैलेंस शीट की एसेट्स में भी आ जाएगा, दोनों साइड बढ़ जाएगा 50-50, ठीक है। तो प्रीपेड वेजेस को हम बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। इसी चीज को यहां पर जो आपकी इसमें बोला है एनसीईआरटी में, पूर्वदत्त को यहां पे देखिए, वेतन दिया पूर्वदत्त तो वेतन में से कम कर दिया, ये 25,000 की जगह 20,000, तो ये निवल लाभ बढ़ गया, निवल लाभ बढ़ गया। और बैलेंस शीट के अंदर ये पूर्वदत्त हमने एसेट में भी दिखा दिया, एसेट में दिखा दिया, ठीक है। तो इसका परिणाम स्वरूप देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे बताया, तो भुगतान की गई वेतन की राशि को 5,000 रुपए शामिल है, मतलब जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो 25,000 रुपए दिया है वेतन, यहाँ पे इसके अंदर जो एडवांस है वो भी तो शामिल है, तो उसको घटाओ, वो अभी खर्चा थोड़ी हुआ है, वो तो खर्चा ही नहीं हुआ, वो तो एडवांस है, उसको घटाना पड़ेगा, वो शामिल है, ठीक है। जिससे किसी एक कर्मचारी को कार्यालय में कार्य करने के लिए अग्रिम रूप से दी गई, इससे ज्ञात होता है कि अंकित ने अपने कर्मचारी को 5,000 रुपए अग्रिम में के वेतन के भुगतान के, इसलिए चालू अवधि में वेतन खाते में सही व्यय की राशि 25,000 रुपए की अपेक्षा 20,000 रुपए हो, एक्चुअल खर्चा तो 20,000 ही है। तो अब क्या करेंगे, पूर्वदत्त वेतन के रूप में दिखाते हुए उसको 20,000 दिखाएंगे और 5,000 रुपए कम कर देंगे। एंट्री क्या बनी, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस कम और यहाँ पे कम, और बैलेंस शीट में पूर्वदत्त वेतन को परिणाम स्वरूप निवल लाभ में वृद्धि आएगी, तो जो प्रीपेड एक्सपेंस है उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और निवल लाभ बढ़ के बढ़ जाएगा, और तुलन पत्र में परिसंपत्ति पक्ष में उसको हम दर्शाएंगे, तुलन पत्र में हम परिसंपत्ति में उसको दर्शाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ वो मैं आपको एक बहुत ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपके सामने दो चीज बात की, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, और मैं आपसे कहता हूँ सैलरी प्रीपेड है। तो जब सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो उस केस में क्या होगा, हमारी एंट्री हो रही है सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, आप ध्यान दीजिए इसको, सैलरी डेबिट हो रहा है और सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हो रहा है। मैंने आपको डेबिट क्रेडिट समझाते पढ़ाते समय ये बताया था कि जब किसी व्यय खाते को हम डेबिट करते हैं तो व्यय बढ़ता है कि कम होता है, वह खाते को डेबिट करते हो एक्सपेंस को, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है, बढ़ता है सर। और जब हम लायबिलिटी खाते को क्रेडिट करते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है कि घटती है, लायबिलिटी जब क्रेडिट होती है तो बढ़ती है, एक्सपेंस जब डेबिट हो, मैंने आपको ये बताया हुआ है भाई एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू, और मैंने आपसे कहा है कि ये दोनों चीजें जब बढ़ेंगी, ये दोनों चीजें जब बढ़ेंगी तो डेबिट होगी,
और ये जब कम होगी तो क्रेडिट होगी। और हमने ये देखा हुआ है कि ये देखे ये आपने वहां पढ़ लिया पहले चैप्टर में, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया काम, ये जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप पढ़ो। और ये भी जब चीजें जब लाइबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और जब ये कम होती है तो डेबिट होती है, हमने आपको बताया था। वही नियम यहाँ पे भी अभी भी वही लागू हो रहा है इस एंट्री में, ऐसा नहीं कि नियम उसी चैप्टर के लिए था। यहाँ पे ये देखिए सैलरी डेबिट हो रही है, तो सैलरी डेबिट हो रही है एक्सपेंस है, डेबिट हो रही है मतलब बढ़ रही है, इस एंट्री की वजह से सैलरी बढ़ रही है, तो तभी तो आउटस्टैंडिंग को सैलरी में जोड़ते हैं, आउटस्टैंडिंग को खर्चे में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्यों? आउटस्टैंडिंग की वजह से वो बढ़ती है, और ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है तो बढ़ती है, तो लाइबिलिटी बढ़ गई। इस एंट्री को करने से पहले हम बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग थोड़ी दिखाएंगे, इस एंट्री को करने के बाद हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो मेरी इस एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी और आ गई सैलरी आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड में क्या होता है, प्रीपेड की हमारी एंट्री होती है सैलरी प्रीपेड, डेबिट टू सैलरी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी प्रीपेड तो प्रीपेड तो एसेट होती है सैलरी प्रीपेड, वो डेबिट हो रही है तो एसेट बढ़ रही है, तो एसेट है एसेट डेबिट हो रही है तो बढ़ रही है, तो इसीलिए तो हम बैलेंस शीट में प्रीपेड सैलरी को दिखाएंगे। ये एसेट नई एसेट बन गई इस एंट्री के बाद, एक नई एसेट आ, और सैलरी एक्सपेंस है क्रेडिट हो रहा है, तो एक्सपेंस जब क्रेडिट होता है तो कम होता है, इसीलिए प्रीपेड को हम कम करते हैं। प्रीपेड को हम कम क्यों करते हैं, क्योंकि इस एंट्री में हम क्या कह रहे हैं भाई, खर्चा कम करो, खर्चा कम हो गया। इस एंट्री में हम क्या कह रहे हैं, खर्चा बढ़ गया, तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं, प्रीपेड को कम करते हैं। यही बात हमने यहाँ पे भी कही, सेम थिंग। यहाँ पर मैंने आपको ये कहा प्रीपेड वेजेस के अंदर हमारी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू, वेजेस कम हो जाएंगे 50 रुपए से, इसीलिए मैंने आपको अभी जो बताया था इसमें से वेजेस को कम करो और प्रीपेड वेजेस को बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाओ, आउटस्टैंडिंग के अंदर खर्चे में जोड़ेंगे और लाइबिलिटी में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग के, ये आउटस्टैंडिंग जो कराया था मैंने जोड़ेंगे। तो इसी ढंग से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं प्रीपेड वेजेस में कि एडवांस प्रीपेड वेजेस प्रीपेड एक्सपेंसेस आर सब्ट्रैक्टेड, वहां पे ऐड किया था आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ लिखिए आप लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिलेवेंट या कंसर्न संबंधित कंसर्न्ड एक्सपेंस इन सेविंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एंड, और उसको हम क्या करते हैं सुवेज एसेट, यस एंड shown as asset in the और बैलेंस शीट में उसको एसेट के ऊपर शो करते हैं। तो इसको हिंदी में जो पूर्वदत्त व्यय होते हैं वो संबंधित व्यय में से ट्रेडिंग व्यापारिक खाते या लाभ हानि खाते में घटाए जाते हैं और तुलन पत्र में परिसंपत्तियों की तरफ परिसंपत्ति के पक्ष में दर्ज दिखाए जाते हैं। ठीक है, मैं इसको ये नहीं कहता ऐड किए जाते हैं एसेट्स में, मतलब ठीक है दिखा, ठीक है जो भी, और इसकी एंट्री वही हुई प्रीपेड वेजेस टू वेजेस। ये हो गया, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लीजिए मेरे से, एनी क्वेरीज। एनी क्वेरी ठीक है, मैं हटा दूं इसको, लिख लिया आपने? यस सर, लिख लिया। यस सर। हां सर। ठीक है। यस सर। तो अभी के लिए आज के लिए आप मुझे, मैंने आपको तीन एडजस्टमेंट्स बताए हैं, डेप्रिसिएशन प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, अभी दो और बचे मेन वाले रेवेन्यू, एडवांस रेवेन्यू जो मिल गई और अक्रूड रेवेन्यू, उसको हम अब
आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए।